थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। गुरुवार करमपुरा निवासी युवक को बाइक खरीदने के बहाने से बुलाकर बदमाशों ने उसको गोली मार दी। गंभीर हालत से युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। गुरुवार सुबह 11 बजे रामपुरा समान निवासी सुखबीर शाक्य उम्र 35 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल खेतों पर काम कर रहा था। उसी समय उसके पास किसी ने फोन करके उसकी बाइक खरीदने के लिए उसको रामपुरा माइनर की पुलिया पर बुलाया। सुखबीर जैसे ही वहां पहुंचा, वहां पहले से बाइक पर खड़े दो बदमाशों ने तमचे से उसकी टांग में गोली मार दी। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार जी। अनुज कुमार, किस गांव रहने वाले हो? रामपुरा। ये क्या मामला हो गया अनुज? पता नहीं, दो दिन पहले कॉल आई थी बाइक बेच रहे की जी, तो उन्होंने कहा कि बाइक दिखा देना एक दो दिन में। तो भैया हम लोग काम कर रहे थे खेत पे, फोन आया कि भाई मुझे कटरा चौराहे पे बाइक दिखा जाओ जी। तो ये घर से आ रहे थे, तो आते समय ये चौराहे पे ना पहुंचने से पहले वहीं बम्बा पुल पे वहीं पे गोली मार के भाग गया। कितने लोग थे वो? वो पता नहीं, एक लोग या दो लोग थे। आप लोगों ने कब जाना? हम लोगों ने तब जाना जब ये डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर साहब के यहाँ पहुँच गए। अच्छा, जाना आप लोगों ने? जब हमारे पास कॉल, उन्होंने क्या बताया? मतलब वो मुंह बांधे थे क्या? ये बताया कि वो लोग मुंह बांधे थे, मैंने ये देखा ही नहीं कौन था, और नया नंबर है और कॉल आई थी उनके पास। जो नया आए और सीधे गोली मार चले गए? हाँ, गोली मार के चले गए। चौराहे पे बुलाया लेकिन चौराहे से पहले ही मार के चले गए। पुलिस आ गई या मौके पे? यहाँ आ गई मौके पे पुलिस। मैं आपका सुखवीर सिंह। किस गाँव रहने वाले हो? क्या सर, किस गाँव रहने वाले हो आप? रामपुरा। तो ये क्या घटना हो गई? सर बम्बे पे बुलाया, फोन करके मोटरसाइकिल अपनी बेच रही क्या जी, और उसने गोली मार के भाग गया। कितने लोग थे? एक ही था। तो मतलब हमारी लेफ्ट साइड के, आप उन्हें जानते हैं कि नहीं जानते हैं? दिखाई नहीं उसको। आप पहचानते नहीं उन्हें? मुंह बांधे थे। गोली कहते तमंचे से मारी? हाँ सर। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।